दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ हैंड एक्सरसाइज जिनको आप आराम से बेड पे बैठ के कर सकते हो। और स्टैंडिंग वे में जो हम हैंड की एक्सरसाइज करते हैं वो मैं आपको कुछ वीडियोज में दिखा भी चुकी हूँ और कुछ अगली वीडियो में बता दूंगी। तो अभी आज हम बताएंगे, मतलब मैं करके दिखाऊंगी कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिनको आप आराम से बेड पे बैठ के कर सकते हो। किसी को स्लिप डिस्क हो, PCOD हो, थायराइड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर अगर आपकी एज भी ज्यादा है तो भी आप इन एक्सरसाइजेस को इजीली कर सकते हो बैठ कर। आपको कोई उछल कूद नहीं मचानी, कोई भागा दौड़ी नहीं करनी, इजीली हो जाएंगी। और हर एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से, तसल्ली से और धीरे धीरे किया कीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और मैं एक्सरसाइज बताती हूँ, ठीक है? देखो, ये जो एक्सरसाइज है ना हैंड वाली, ये आपके हैंड पे वर्क करेंगी। मतलब इधर का जो फैट है, इधर का जो ये जो फैट होता है ना, ये इस पे वर्क करेगी और शोल्डर फैट पे वर्क करेगी। ये जो पीछे का बैक वाला फैट होता है इस पे भी वर्क करेगी। और अगर जैसे अगर आप लेडीज हो, मतलब अगर आप वुमन हो और आपका चेस्ट फैट बहुत ही ज़्यादा है, तो ये उस पे भी वर्क करेगी, उसको भी अपनी सही शेप में लेकर आएगी, ठीक है? तो पहली एक्सरसाइज है जो कि आप सब लोग देखते होंगे, हमारे रामदेव बाबा बहुत अच्छे से बताते हैं, वही सेम टू सेम। इस तरीके से हाथों को कंधे पर रख लीजिए। आपको इसको 10 times ऐसे आगे की तरफ घुमाना है, पूरा सर्कल बनाना है, जितना ज़्यादा आप बना सकते हो, स्लोली स्लोली करना, ठीक है? इसको आपको 10 times आगे की तरफ करना है। पहले दिन अगर थक जाओ तो 5-5 बार ही कर लेना, ठीक है? और फिर 10 times पीछे से आगे की ओर करना है। जो भी एक्सरसाइज आप एक डायरेक्शन में करो ना, उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में जरूर करना, वरना पूरा फायदा नहीं मिल पाता। एक ही डायरेक्शन में करके मत रह जाना। और मैं इस वाली वीडियो को ना बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूंगी, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे हो रही है, ठीक है? तो आपको ये वाली एक्सरसाइज 10 times आगे की ओर करनी है, पूरा पूरा सर्कल बनाना है और अच्छे से रिलैक्स होकर बैठ जाना, ठीक है? दूसरी एक्सरसाइज के लिए मैं दिख रही हूं ना, इस तरीके से अपने हैंड्स को, ठीक है, यहां पर कमर पे रख लेना, इस तरीके से, ऐसे नहीं, ऐसे। और अपने ये जो हैंड है ना, इनको इस तरीके से मूव कराना है। इसको 10 to 20 times कर सकते हो, स्टार्टिंग में 10 times ही करना। आप देखोगे कि जब आप करोगे ना, तो मैंने जो जो पोर्शन आपको बताया है उस सब पे अच्छे से फैक्ट पड़ेगा। और बैक फैट पे तो बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट पड़ता है, शोल्डर फैट बहुत अच्छे से कम होता है इसका, मेरा बहुत कम हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, आप इसको आराम से कर सकते हो। स्टार्टिंग में एक ही सेट करना, 1 week के बाद 2 to 3 sets पे बढ़ा देना, ठीक है? बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। उसके बाद अगली एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ हैंड की। हैंड को यूं सीधा रखना, ठीक है? पहले तो आपको ऐसे मुट्ठियां बांध लेनी है, अपनी कलाइयों को घुमाना इस तरीके से, ठीक है? ये जो आप कलाइयां घुमाओगे ना, तो आपकी कलाइयों के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो अच्छे से मूव होंगे, 10 times एक तरफ को और 10 times दूसरी तरफ को, ठीक है? आप देखोगे कि सिर्फ आपकी कलाइयों पे ही प्रेशर नहीं पड़ रहा, आपकी कोहनियों से होता हुआ सारा का सारा प्रेशर आपके कंधे पे जाने लगेगा, ठीक है? फिर रिलैक्स हो जाना। अगर मसल्स लगेंगी स्टफ हो रही है तो थोड़ा क्लैपिंग करना, हाथों को थोड़ा रिलैक्स देना, ठीक है? उसके बाद हैंड सीधा रखना है आपको और कंधे तक लेके जाना है 10 times। 1, 2, 3, 4, हाथ को स्ट्रेट रखना, बहुत ज्यादा नीचे, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रखना है। 10 times करना, रिपीटेशन करना। फिर आपके कंधों पे और हैंड फैट पे बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा। आराम से करना, स्लोली स्लोली, ठीक है? तो ये हो गई कुछ एक्सरसाइजेस जिनसे आपके हैंड फैट पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा।
तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक दे देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो और आपको कितना फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियोस को देखकर। तो चलो मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।